कांवड़ मार्गों को लेकर यूपी और उत्तराखंड की सरकार द्वारा जारी आदेश पर एक तरफ जहां राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं खाने पीने की दुकानों पर संचालकों का नाम और पहचान अनिवार्य कर दिए जाने से दुकानदारों में बेचैनी बढ़ गई है। सरकार के फैसले के साथ ही मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग की दुकानों पर दुकानदारों ने अपने नाम वाले फ्लैक्स लगा रखे हैं। वहीं खबर है कि ढाबों से मुस्लिम कर्मचारी भी कांवड़ यात्रा तक के लिए हटाए जा रहे हैं। कई जगह स्वेच्छा से ही कर्मचारी आने से इनकार कर दिए हैं। पिछले 7 वर्षों से एक दिहाड़ी मजदूर ब्रजेश पाल श्रावण ने बताया है कि वो 2 महीनों से मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में एक सड़क किनारे ढाबे पर काम करता था, ताकि अपने मुस्लिम मालिकों ग्राहकों मुख्य रूप से कांवड़ियों भारी भीड़ को प्रबंधित करने में मदद मिल सके। इस काम के लिए उसे 400 से 600 रुपये और हर दिन कम से कम 2 वक्त का खाना मिलता था। हालांकि इस साल उनके मालिक मोहम्मद असर सलान ने उन्हें अन्य नौकरी की तलाश करने के लिए कहा है, क्योंकि वह अतिरिक्त कर्मचारी को काम पर रखने में सक्षम नहीं है। उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होटल रेस्टोरेंट भोजनालय के मालिकों को दिए गए आदेश के कारण उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। पाल ने पीटीआई भाषा को बताया कि यह आय का एक अच्छा स्रोत था, क्योंकि इस मौसम में अन्य नौकरियां ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मानसून के मौसम में निर्माण और कृषि कार्य ज्यादा नहीं होते हैं, जहां मुझे एक मजदूर के रूप में नौकरी मिल सके। उसने बताया कि 1 सप्ताह पहले ही ढाबे पर काम करना शुरू किया था, लेकिन अब मालिक ने उसे कहीं और काम तलाशने के लिए कहा है। वहीं छोटे फल विक्रेताओं और ढाबों को डर है कि सरकार के इस कदम से उनकी कमाई पर बुरा असर पड़ेगा। ढाबे के मालिक असर सलान ने कहा है कि उन्हें डर है कि उनके मुस्लिम नाम के कारण कांवड़िए उनके यहाँ खाना तक नहीं खाएंगे। इस मांग पर हर तीसरे ढाबे की तरह इनके ढाबे का नाम भी बाबा का ढाबा है। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक कर्मचारी हिंदू हैं, हम यहाँ केवल शाकाहारी भोजन परोसते हैं और श्रावण माह के दौरान लहसुन और प्याज का उपयोग करने से भी बचते हैं। सरकार के आदेश ने न केवल मुस्लिम मालिकों और उनके कर्मचारियों की कमाई पर असर डाला है, बल्कि हिंदू मालिकों के भोजनालयों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों पर भी असर डाला है। खतौली में मुख्य बाजार के ठीक बाहर सड़क किनारे भोजनालय के मालिक अनिमेश त्यागी ने कहा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने रेस्टोरेंट में तंदूर का काम करता था, लेकिन इस मुद्दे के कारण मैंने उसे जाने के लिए कहा, क्योंकि लोग इसे मुद्दा बना सकते हैं। हम ऐसी परेशानियां नहीं चाहते हैं। इस बार तंदूर पर काम करने के लिए एक हिंदू व्यक्ति को बुलाया गया है। बहरहाल, पिछले कई दिनों से कांवड़ मार्ग पर नाम अंकित किए जाने का मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा और इस पर बयानबाजी जारी है, तो वहीं सरकार के फैसले की तारीफ भी हो रही है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। videodex@amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।